नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल ओम ट्रिक्स में। दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैथ का पेपर कल था, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल के मैथ के पेपर में पेपर तो पहले से ही आउट था, लेकिन पेपर की होने के बाद कॉपियां भी घर पर ही लिखी जा रही थी। दोस्तों, केंद्र व्यवस्थापक के आवास में पकड़ा गया नकल का खेल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने दिख रही होंगी कि यहाँ पे कॉपियाँ ढेर सारी पड़ी हुई हैं। देखिए, सब कॉपी बिखरी पड़ी हुई है और इन कॉपियों को किसी के द्वारा लिखा जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, कॉपी लिखी जा रही है किसी मैम के द्वारा। और दोस्तों, यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा हुआ दिख पा रहा होगा आपको। तो दोस्तों, ये केंद्र व्यवस्थापक हैं और इनके घर पर कॉपी लिखने का कार्यक्रम चल रहा है, मतलब मैथमेटिक्स की कॉपी इनके घर पर लिखी जा रही है। दोस्तों, तो नकल का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है दोस्तों, कि खुद केंद्र व्यवस्थापक के घर में मैथमेटिक्स की कॉपी लिखी जा रही है। दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि क्या ऐसा होना सत्य है दोस्तों। और ये जो न्यूज़ आ रही है, मैं आपको बता दूँ, ये न्यूज़ है आपकी जागरण से, यानी कि दैनिक जागरण से। और ये आज की लेटेस्ट अपडेट आ रही है, 26 ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे तारीख ट्यूसडे की है, ट्यूसडे 26 फरवरी 2019 12:01 AM की खबर ये अपडेट हुई है दैनिक जागरण में। आप अगर देखना चाहते हो तो आप दैनिक जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों, केंद्र व्यवस्थापक के आवास में पकड़ा गया था नकल का कारोबार। दोस्तों, ये मथुरा की है, ठीक है, मथुरा की ये अपडेट आ रही है। मथुरा में नकल इस प्रकार हो रही है। यूपी बोर्ड की शाम की पाली में इंटरमीडिएट गणित की परीक्षा के दौरान दीनदयाल इंटर कॉलेज में यहाँ पे पर्दाफाश हुआ है और केंद्र व्यवस्थापक के आवास पर यह खेल चल रहा था। इस खेल में केंद्र व्यवस्थापक की पत्नी भी शामिल है, दोनों फरार पाए जा रहे हैं। केंद्र व्यवस्थापक को हटाकर कॉलेज को दीवार करने की स्तुति बना दी गई है। और वहीं चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज में फोल्डर में एक साथ पुस्तिका का यहाँ पे बताया गया कि एक साथ कई सारी पुस्तिका लिखी जा रही थी। मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ये न्यूज़ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, यही कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहा था आप सभी के लिए। बाकी की पूरी खबर में यही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यही अपडेट आ रहा था। तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि क्या ये करना उचित है। दोस्तों, यानी कि मैं आपको बता दूं कि मैथ का पेपर जो लोग मेहनत करके गए होंगे, जो लोग अच्छे से पढ़ाई करे होंगे, जो लोग पूरी मेहनत से मैथ का पेपर लिखे होंगे, लेकिन उनके फिर भी नंबर कम आ जाएंगे, और जो लोग नकल करके कॉपी लिखवा करके अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ये ऐसा उचित है कि नहीं है दोस्तों, ये आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, बहुत सभी मेहनत से आप सभी के लिए इस वीडियो को बनाता हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कर देना, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, ताकि वीडियो को देखकर आपके सभी दोस्तों को पता चल सके कि नकल का कारोबार अभी भी उत्तर प्रदेश में बंद नहीं हो पा रहा है। फिलहाल दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।